एडमिट लगने के बाद 15 दिन बाद जनरेट हुआ था जी जी। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे 251 रुपए का बिल मेरा सिर्फ आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं अन्य ग्रीन एनर्जी का यूट्यूब चैनल। मैं अभी वाराणसी के यश कॉलोनी में स्थित हूं, जो आखिरी बाईपास के पास पड़ता है। और पीछे आप जो खूबसूरत सा मकान देख रहे हैं, ये प्रभाकर सिंह जी का है, जहाँ पे हमारी कंपनी अन्या ग्रीन एनर्जी का 3 किलोवाट का ऑनग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है। मैं सबसे पहले आपको ऑनग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में अब दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, फिर आपको प्रभाकर सिंह जी से डायरेक्ट मुलाकात करा के उनके अनुभव को आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 3 किलोवाट का ऑनग्रिड सोलर सिस्टम है। टोटल 6 पैनल लगे हुए हैं। एक पैनल 540 वाट का है और अगर कि देखा जाए स्ट्रक्चर में तो GI का यूज हुआ है, GI चैनल का यूज हुआ है, जो जंग से बचाता है, क्योंकि 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो स्ट्रक्चर का भी 25 सालों तक रहना बहुत ज़रूरी होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं तो वो लाइटिंग अरेस्टर है, जो आपके घर के साथ साथ पैनल को भी आकाशीय बिजली से सुरक्षित रखता है। और अगर बात की जाए, ये बाइफिशियल पैनल है और इसके नीचे साइड से भी सेल होते हैं, जो आकाश से धूप जो आती है, सूर्य से निकली हुई धूप, वो इस पर पड़ती है और जो भी बच जाता है तो नीचे से रिफ्लेक्ट होके धूप जाता है तो नीचे से भी चार्ज करती है, इससे इसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। पैनल 25-30% तक ज़्यादा वर्क करने लगता है अपने मौजूदा कैपेसिटी से। और मैं आपको नीचे के साइड लेके चलूँ तो आपको इन्वर्टर और DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को दिखाऊंगा। तो अभी आप सामने देख रहे होंगे कि इन्वर्टर का सेटअप है और DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि पैनल जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वो DC करंट के रूप में आती है, जो वायर के थ्रू, जो वायरिंग आप देख रहे हैं, वायरिंग के थ्रू आता है सीधे DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। आप DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को देख सकते हैं। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से DC करंट इन्वर्टर में सप्लाई होता है, इन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट करता है और इन्वर्टर से करंट है वो जाता है AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, जिसके थ्रू घर को और ग्रिड को पावर सप्लाई हो जाती है। बेसिकली बात की जाए DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की, तो ये इन्वर्टर के सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज होता है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रभाकर सर। सर, सबसे पहले आप पूरा परिचय बताएं अपना और कहाँ पे आप लोकेटेड हैं, जहाँ पे आपने ऑनग्रिड सोलर सिस्टम लगाया है, तो आप सबसे पहले ये चीज़ें बता दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर सिंह है। मैं बेसिकली अभी यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ हूँ, मेरा नया घर है, तो मैं यहाँ पे एक डेढ़ महीने हुआ मुझे शिफ्ट हुआ जी। इससे पहले मैं न्यू कॉलोनी DLW के सामने कॉलोनी है जी, उसमें रेंट पर फ्लैट में रहता था जी। तो मैं एक्चुअली में अपना थोड़ा सा और परिचय बता दूँ, मैं बैंक में जॉब भी करता हूँ। ये बनारस की कौन सी कॉलोनी है सर? ये आपका एक्चुअली में लठिया मौजा पड़ता है, लठिया एक विलेज है जी। यहाँ से पास में DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल है जी, नियर बाई 500 मीटर के नियर बाई हाँ। तो ये लठिया मौजा में है, अमरा आखिरी बाईपास से पास में ही पड़ता है ये जी। छोटी इसे यस बिहार कॉलोनी का, यस बिहार का आपको रोड से आएंगे हाईवे से, यस बिहार कॉलोनी रोड पड़ेगा, इधर साइड आप जाएंगे तो पंचकोशी रोड के बगल में ही है। तो सर, अभी आप सर्विस में कहाँ पर हैं? अभी पोस्टिंग तो मेरी यहाँ से बहुत ही नज़दीक में 10-15 किलोमीटर दूर में एक राजा तालाब कस्बा है जी, तो वहीं पे मेरी पंजाब नेशनल बैंक में पोस्टिंग जी। आप सरकारी बैंकर हैं? हाँ। और मैं अगर बात करूँ, बेसिकली आप बनारस में इतने समय से रह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर बनारस में कितना प्रॉब्लम रहता है सर, और कितने लोगों के अंदर टेंशन रहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर तो आज के डेट में टेंशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घर में ज़्यादा अप्लायंस बढ़ते जा रहे हैं जी, हर आदमी की नीड बढ़ती जा रही है, और साथ में हर घर में जो थोड़ा सा अफोर्ड कर रहा है AC है जी। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आने लगे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है जी। हर घर में फ्रिज है, कूलर है, TV है, जो भी चीज़ें हैं आवश्यकता की, सब घर में अमूमन है जी। तो एक छोटी सी फैमिली का अगर देखा जाए तो 4-5 हज़ार का महीने का बिल गर्मियों में आ ही जाता है। आप कितना हो कम करके करिए, फिर भी आ जाता है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने घर बनाया है तो यहाँ पर आप कितने हैवी अप्लायंसेज यूज करते हैं? यहाँ पे जैसा पहले मोहा था तो एक ही AC यूज करता था, यहाँ पे चूँकि घर बड़ा है थोड़ा सा, तो 2 AC मुझे रखना पड़ा था अपने लिए, गेस्ट के लिए, तो 2 AC है, एक फ्रिज है जी, मोटर है जो पानी के लिए, समरसेबल मोटर है, और छोटे मोटे अप्लायंस है, TV है, गीजर है, 2 गीजर हैं, तो ये सब चीज़ें हैं।
तो अमूमन मांग के चलिए हमारा, इसके बगैर अगर देखा जाए तो आदमी के नीड पूरी भी नहीं होगी और मतलब और बढ़ी जाएगा, बढ़ती जाएगी आगे, बढ़ती तो बढ़नी ही है, कम नहीं होनी है। तो बेसिकली मैं बात करूं सर कि आपने ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में पता कहां से चला सर? जी एक्चुअली मैं बता दूं, मैं जबकि मार्केट में हूं, इतना सब कुछ है, फिर भी मुझे ऑन ग्रिड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था। जी। और जब ये पीएम सूर्यघर योजना आया तो चूँकि मैं बैंक में हूं, एक सोशल दायित्व भी हम लोगों का होता है, तो उसमें आया कि लोगों को ये सोलर सिस्टम लगवाना है और ये इसका वो करना है, इसमें लोन्स भी करने हैं, बैंक का लोन्स इजी फाइनेंस भी है। जी। तो फिर तब हम लोग पास कुछ सर्कुलर्स आए बैंक के और कुछ गवर्नमेंट के साइट से हम लोग फिर सर्च किए, तब वहाँ से हम लोग पता चला कि ऑन ग्रिड है क्या। अच्छा, बहुत लोग अभी भ्रांति है कि सोलर सिस्टम मतलब बैटरी होना ज़रूरी है, तो जबकि ऑन ग्रिड एक अलग टाइप का सिस्टम है। जी जी जी। तो मैं अगर बात करूं कि आपने बता ही दिया कि ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो सर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में आपका सोर्स क्या था, कि मतलब कि हमारी कंपनी के बारे में पता करने का सोर्स क्या था, कैसे पता चला? देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो आपकी कंपनी से तो मेरा थोड़ा सा पुराना परिचय है, क्योंकि मैं न्यू कॉलेज में रहता था और आपकी कंपनी भी पढ़ने में आते जाते बोर्ड आपका लग रहा था अन्ना ग्रीन का। जी। तो परिचय तो पहले था, लेकिन सोलर सिस्टम क्या है और सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था, मैंने कभी उससे पहले मतलब उतने लंबे समय से परिचय होने के बावजूद भी मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, इंटरेस्ट नहीं था। यस, इंटरेस्ट नहीं। आपका वैसे भी 9 to 6 का जॉब है, तो जब हम ऑफिस आते थे तो ऑफिस बंद हो चुका होता था। तो सर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का मतलब कि मैं पूछूं कि आपका अनुभव, जैसे कि आपने बताया 1.5-2 महीने हो गए होंगे आपको लगाए हुए यहाँ पे। हाँ, 23 अगस्त को हमारा ये इंस्टॉल हो गया था फाइनली। तो आपका अनुभव क्या रहा है ऑन ग्रिड को? जो देखिए अनुभव हम लोग ने एक्चुअली में जब हमने ये सोलर सिस्टम लगाने के बारे में सोचा, क्योंकि बैंक से भी था टारगेट था कि नहीं सोलर सिस्टम के बारे में लोगों को बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में लगाना है, गवर्नमेंट का भी वो है, लोगों को जागरूक करना है। यस, ये है मेरे लिए भी, मेरे जॉब प्रोफाइल में भी है। तो फिर हमने काफ़ी सर्च किया नेट पर, क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है ऑन ग्रिड, तमाम चीज़ें हैं। हाँ। तो आपको नेट पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। तो हम लोग काफ़ी जाना, फिर समझा, फिर हुआ कि 3 किलोवाट लगाया जाए या 4 किलोवाट लगाया जाए, 5 किलोवाट लगाया जाए, क्या किया जाए। तो फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, अभी क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी भी 3 किलोवाट तक पूरी सब्सिडी मिल जाती है। जी जी, जी। तो हिसाब से फिर हमने लगवाया, और लगवाने के बाद मेरा अनुभव मैं आपसे क्या बताऊँ, मैं जो नहीं सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिला। जी। अभी एक ऐप भी इसका है जो पैनल लगा हुआ है, जो आपके इन्वर्टर है उसका एक ऐप भी आता है। जी। उस ऐप में आप देख सकते हैं हमेशा कि आपके क्या परफॉर्मेंस है, कितना बिजली बन रही है, कितना पैसे बचाया और कितना पैसे बचा, सब कुछ उसमें कैलकुलेशन आता है पूरा। तो अभी मैं इससे 2 मिनट पहले देख रहा था, तो मेरा इस समय चूँकि धूप अच्छी है तो अभी मेरा जो पैनल है वो 100% काम कर रहा है, मतलब 3 किलोवाट की कैपेसिटी है और 3 किलोवाट फुल डोज में चल रहा है, मतलब 100 पूरे फुल गियर में हमारा वो चल रहा है। और सुबह से अभी तक मेरा 10 यूनिट बना चुका है। और आप सोचिए कि मैं अभी मेरा एक बिल भी जनरेट हुआ था, बिजली विभाग से कुछ लोग आए थे तो बिल उन्होंने जनरेट किया था, नेट मीटर नेट मीटर लगने के बाद 15 दिन बाद जनरेट हुआ था। जी जी। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 251 रुपये का बिल मेरा सिर्फ आया, 251 रुपये का, इतना सारे हैवी अप्लायंसेस यूज करने के बाद भी 251 का बिल, सिर्फ 251, मतलब सगुन हो गया सर। मतलब हमने सोचा नहीं था, मैंने बगल वालों को बताया तो शॉक हो गए, अरे इतना कम कैसे हो सकता है, चेक करिए वो। फिर हमने जाके सब चेक किया, पता चला नहीं नहीं हमारा जो सोलर सिस्टम ने जो बिजली बनाया, जो हमने खपत का वो किया, कंज्यूम किया बिजली विभाग से लिया, जो हमने उनको दिया अपना यूज करने के बाद, हमने सिर्फ 35 यूनिट ही बिजली विभाग से लिया था। 35 यूनिट 15 दिन में। हाँ, 35 यूनिट का सर ने पैसा दिया, और जो मिनिमम चार्जेज होते हैं, जो आपका बिजली का कनेक्शन लेते हैं उसका मिनिमम चार्जेज होता है, वो सब कैलकुलेट करने के बाद भी 251 रुपये का सगुन सर ने बिजली विभाग को दिया है। सिर्फ 251 रुपये का बिला, तो मैं बहुत ही कह नहीं सकते कितना हैप्पी है और बहुत ही मजा आता है कि नया नया सिटी। तो सर पहले कितना आ जाता था अगर देखा जाए तो? देखिए यहाँ तो मैं भी शिफ्ट किया हूँ, तो उससे पहले मेरा 3000 लगभग बिल आता था। 3000 हम शिफ्ट नहीं किए थे। अच्छा, हाँ, मतलब शिफ्ट जो काम मतलब चल रहा था, काम चल रहा था, मैं वहाँ के एक्सपीरियंस बताऊँ, जहाँ मैं फ्लैट में रहता था वहाँ से मेरा 4 से 5 हज़ार रुपये महीने का। हाँ, तो वहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे सिर्फ एक एसी था और बाकी छोटे मोटे अप्लायंस थे। यहाँ पे आप बड़ा घर लिए और शिफ्ट होने के बाद हमको लगता है कि यहाँ पे महीने का अगर पूरा देखा जाए, जो हमने अभी तक अनुमान लगाया है या कैलकुलेशन किया है, तो 1000 के अंदर ही रहेगा, मतलब 1000 के अंदर ही इतना बड़ा घर का टोटल बिल आना चाहिए, वहीं आएगा। तो सर मैं अगर बात करूं कि आपने बुकिंग
किया होगा पहले, बुकिंग प्रोसेस वगैरह हुआ होगा, तो बुकिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर पाए। एकदम, मैं जैसे आपको सबको बता दूं कि जैसे आप इसमें जब सोलर, हमने क्या किया कि सोलर पोर्टल में हमने उन खुद अप्लाई किया था, बहुत से लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो जो वेंडर्स हैं जैसे आप अन्ना ग्रीन से हैं तो आप लोग पूरा मदद करते हैं उसमें जी। तो लेकिन चूंकि हम लोग थोड़ा उस फील्ड में थे तो हमने अपने से खुद से अप्लाई किया, चूँकि मैं बैंक में हूँ तो खुद से मेरा लोन भी मेरे विभाग द्वारा हो गया इजीली। और उसके बाद फिर हमने आपको ऑप्शन आता है उसमें वेंडर चुनने का जी जी। तो उसमें जब वेंडर आप चुनने जाए पूरी लिस्ट आती है कौन कौन से वेंडर अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट ने किसको अप्रूव कर रखा है कि इन्हीं से आप लगवाएंगे, क्योंकि उनका एक दायरा होता है जिसको वो लोग फुलफिल करते हैं, तो उसमें उनको अप्रूवल मिलता है वेंडर्स के। जो अच्छे वेंडर्स होते हैं वही अप्रूव होते हैं जी। तो हमने फिर उसमें जब सर्च करने लगा फिर मुझे नाम दिखा अन्ना ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, तो हमने कहा अन्ना ग्रीन तो हमारे ही कॉलोनी में है और भैया को तो मैं जानता भी हूँ। तो मैंने फिर भैया को फ़ोन लगाया, तो भैया संजोग से उसमें कुछ काम से मुंबई में थे, तो उन्होंने बोला कि भैया मैं आता हूँ तो फिर बात करता हूँ जी जी जी। तो फिर आए, बातचीत हुआ, एक मीटिंग हुई, तो बोले नहीं ठीक है आप लोग लगवाइए, कोई टेक्निकल सपोर्ट आएगा कुछ भी आएगा तो आप लोग को पूरा सपोर्ट मिलेगा जी। तो फिर हम लोगों ने तुरंत वहीं बुकिंग किया, पैसा भेजा, विद इन वीक जो हमारा वो है इंस्टॉल हो गया। विद इन वीक इंस्टॉल, मतलब एक वीक के अंदर सर का सिस्टम इंस्टॉल हो गया। सर अगर कि देखा जाए तो मतलब बाहर की कंपनियां हैं बहुत सारी आती हैं आपको, अभी एक मेरे एक कस्टमर थे वो बोल रहे थे कि बुकिंग के 30,000 रुपये बुकिंग दे दिए, उसके बाद उनको 3 महीने तक लोग परेशान किए और फिर बाद देखिए इसमें मार्केट में कई तरह के लोग हैं। मैं चूंकि मैं भी मार्केट में हूँ और मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं कस्टमर जो कि पैसा दिए हैं, डिले हो रहा नहीं रहा, तो इसमें हम नहीं जाते हैं क्योंकि ये चलिए एक अपना अपना सबका वो है कहाँ से कौन लगवाता है जी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है अन्ना ग्रीन के साथ वो बेस्ट है जी। बेस्ट का आउटस्टैंडिंग है जी। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को एक मजे की बात सबसे बता दूँ आपको बस, कि मेरा जो है इंस्टॉलेशन 23 अगस्त को मेरा इनेट मीटर लग गया जी। फिर उसके बाद मेरा पैनल का लाइव हो गया, मेरा 24 या 25 को लाइव हो गया जी। मेरा पैनल जो है लाइव हो गया मतलब ऑन ग्रिड से बिजली बनाने लगा। उसके बाद एक दिन बाद मेरा उसी दिन या नेक्स्ट डे मेरा सब्सिडी पोर्टल में लॉन्च भी हो गया। फ़ोन आया आपके यहाँ से जो सब्सिडी देखते हैं जी जी, कि भैया कुछ OTP मांगेंगे दे दें हमको, ठीक है। तो सर बेसिकली अभी जैसे बात हम लोग कर रहे थे सब्सिडी के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लोगों का डाउट रहता है कि बैंक से अगर कि लोन लेते हैं या फिर प्राइवेट फाइनेंस से तो सब्सिडी वगैरह नहीं आ पाएगा, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए, आप बैंक में हैं तो आपसे अच्छा एक्सप्लेन कौन कर सकता है। देखिए सब्सिडी का एक अलग पोर्टल है जी, और सब्सिडी क्या है कि लोन से और कैश लगाने से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने कह रखा है कि जो भी 3 किलोवाट तक का सोलर लगाएगा उसको मैं मैक्सिमम 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी, और चूंकि हम यूपी में हैं तो यूपी में भी यूपी नेडा द्वारा 30,000 सब्सिडी दी जाती है जी। तो सब्सिडी में कहीं कोई बट नहीं है, सब्सिडी तो मिलना ही है। और मजे की बात मैं बताऊँ आपसे कि मेरी सब्सिडी 78,000 जा भी चुकी है जी जी, और 30,000 सब्सिडी मेरी कल ही आई है, विद इन 10 डेज आई है। कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं सर कि जैसे बिजली जब वायर से डिस्ट्रीब्यूट होकर आती है जैसे कि जहाँ जहाँ पावर बनता है तो वहाँ से यहाँ आने में भी काफ़ी लॉस होता है, बहुत लॉस होता है। और दूसरी चीज़ मैं इन्वायरमेंटल बता दूं सर कि मतलब 1 किलोवाट की बिजली बनाने में 46 पेड़ के बराबर आप मतलब प्रदूषण को बचाते हैं, और टोटल आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो मान के चलते हैं कि टोटल 138 पेड़ सर ने अपने छत पे लगा दिया है, वो दायरा भी हमें लगता है कि बहुत कम ही होगा। हाँ 101 पेड़ लोग नहीं लगा पा रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट लगाए हैं, गमले में प्लांट लगा पा रहे हैं, जितने में टंकी को ढका जाए उतने में आपने लगा दिया। छोड़ दीजिए, सब मिला के मैं आपका फाइनल रिव्यू लेना चाहता हूँ हमारी कंपनी के बारे में। देखिए इसमें क्या है कि जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है इसमें गवर्नमेंट ने कुछ वेंडर्स को अप्रूव कर रखा है, जिसमें इसके एक वेंडर साहब अन्ना ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड भी है जिसका कि ऑफिस यहीं आपका DLW न्यू कॉलोनी में स्थित है। और इसमें कस्टमर को देखा जाए तो कुछ करना ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजली का बिल जो है वो इनको दे देना है, उसके बाद इन्हीं का पूरा काम है। सूर्यघर पोर्टल पर भी अप्लाई करेंगे, आपका अगर लोन कराना है तो लोन में भी ये हेल्प कराएंगे, जिस भी बैंक से कराना है आपको। अगर लोन नहीं कराना है तो आप ये अप्लाई करेंगे, आप पूरा पेमेंट इनको करेंगे और फिर इनको ये अपना इंस्टॉलेशन का प्रक्रिया करेंगे, फिर सब्सिडी भी यहीं लॉन्च करेंगे, नेट मीटर यहीं लगवाएंगे बिजली विभाग से, मतलब आपको घर बैठे बैठे कहीं घर का दरवाज़ा भी नहीं लांघना है और सारे काम आपके सोलर आपके लग जाएंगे। तो इसमें कहीं कोई इब्बत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा देना है, पैसा चाहे आप बैंक के फिनांस के थ्रू दे दें
चाहे पूरा पैसा अपने से दे दें, कैश दे दें, अकाउंट। तो सर मैं अगर पूछूं कि 10 में से आप कितने रेटिंग देंगे हमारी कंपनी को? देखिए आपकी कंपनी का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो उसमें 10 में से 10 देना चाहूँगा जी। मुझे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है सर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। ठीक है सर, और आपने इतने अच्छे हमारे लिए रिव्यू दिए और दर्शकों को बेसिकली बताया कि कितना किस प्रकार से हमारी सर्विस रही है। तो आप लोगों को भी अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से अच्छा लगा है तो नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क करके बुकिंग कर सकते हैं, और अगर कि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर क्लिक करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा कर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।